हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। कईयों ने मेरे से पूछा है कि अगर कंधे में दर्द हो तो उसकी कोई एक्सरसाइज बताओ, क्योंकि साइटिका पेन की जो भी एक्सरसाइज बताई थी वो काफी लोगों को उससे बहुत फायदा हुआ है। उसके बाद बैकेक की बताई थी, बहुत लोगों ने अपनाया और उसके भी अच्छे कमेंट्स आए हैं। तो आज मैं बात करती हूँ आपके साथ कि अगर कंधे में दर्द हो और दर्द को, क्योंकि शुरू में ही अगर नहीं हम संभालते हैं तो दर्द ज्यादा बढ़ सकता है और शोल्डर लॉक हो सकता है। लॉक होने का मतलब है आप हाथ ऊपर नहीं उठा पाएंगे, पीछे नहीं कर पाएंगे या आपकी हाथ की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। तो चलिए इस दर्द को कम करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर दर्द को हम अपनी फिजियोथेरेपी से, फिजिकल एक्सरसाइज से ठीक कर लें तो वो ज्यादा अच्छा होता है, बजाय इसके कि बार बार हम पेन किलर खाते रहे, क्योंकि पेन किलर के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए मैं इसका डेमो आपको देती हूँ और आपको जो भी आपको डेमो दे रही है उनको इस चीज से बहुत फायदा हुआ है, तो वो आपको बताएंगी कि उनको कितना फायदा हुआ और कैसे कैसे ये एक्सरसाइज करती है, वो उनके साथ मिलके मैं आपको बताती हूँ। माय भाभी इज विद मी एंड शी विल गिव अ डेमो फॉर दैट। तो ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, इसमें हमने कुछ नहीं करना है। बॉटल लेनी है आप, देखा ये बॉटल है जो पेप्सी वेप्सी की, कोई भी बॉटल आपके पास हो, आपको हाफ केजी की बॉटल से स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पहले सीधा हाथ ले लो, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट, और यहाँ पर होल्ड करके रखना है 10 सेकंड के लिए। 10 काउंट तक आप काउंट करो, होल्ड। अब ये हाथ ऊपर ले जाओ, ऊपर जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करो, होल्ड फॉर 10 सेकंड्स। अब साइड में बिल्कुल स्ट्रेट, और यहां भी आपको होल्ड करना है और फिर नीचे। ये पूरा सर्कल आपने 10 टाइम्स रिपीट करना है। एक बार फिर दिखा देते हैं सामने, और हर बार आपका स्ट्रेच होना चाहिए, पूरा हाथ ऊपर साइड में और आराम से नीचे। जहां भी आप हाथ को लेके जा रहे हो वहां पर आपको 10 सेकंड तक उसको होल्ड करना है, फिर उसको पोजीशन को चेंज करना है, और ये जो सर्कल है पूरा 10 बार आपने 10 टाइम्स रिपीट करना है। अब दूसरा सेम एक्सरसाइज है, लेकिन उसमें आपका हाथ दूसरी तरफ घूमेगा। तो इसमें आप पहले आप उसको साइड लेंगे, पहले दोनों साइड में होल्ड, अब ऊपर सामने नीचे। इसमें क्या हुआ, पहले आपका कंधा घूमा था इस तरीके से, अब घूम रहा है इस तरीके से। एक बार आप फिर दिखा दें, साइड में 10 तक काउंट करना है, ऊपर स्ट्रेच करना है ऊपर जितना हो सके, फिर सामने और फिर नीचे। ये भी आपने 10 टाइम्स करना है। तो ये तो हो गई शोल्डर के लिए एक्सरसाइज। आप शुरू करेंगे हाफ लीटर बॉटल से, और फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ा के 1 लीटर, 1.5 लीटर या 2 लीटर तक भी कर सकते हो, जितना आपका हाथ यहां से प्रेशर ले पाए। क्योंकि हमने ये चीज का जो लॉक है, जहां पेन है उसको खोलना है, और वो उसी से खुलेगा। जितना आप एक्सरसाइज करोगे दोनों साइड रोटेट होना है, आगे भी और पीछे भी। उसके अब कुछ लोगों को शोल्डर पेन है लेकिन साथ में सर्वाइकल है, तो उसके लिए भी आप थोड़ा कुछ बता रही थी आप, योगा वगैरह का कैसे है। हाँ, तो वो आप थोड़ा बताइए। इसमें हाथों को स्ट्रेट करके और थोड़ा स्ट्रेच करना है अपनी तरफ, फिंगर्स को अपनी तरफ स्ट्रेच करना है। ओके। और इसको होल्ड करना है 10 काउंट करने तक। ओके। धीरे धीरे कर दो ऐसे दोनों को अल्टरनेटली। अच्छा, एक बार उसको और एक बार उसको। उससे आप फील करेंगे कि आपको सर्वाइकल के प्लेस पे आपको रिलैक्स महसूस होगा। तो ये था दूसरा आपके लिए। इसके लिए जिसको आप एल्बोस को मारने ऐसे पीछे की तरफ सर्वाइकल वाले को कभी भी आगे की तरफ नहीं करना, एक बिग नो है उसके लिए। हाँ। सिर्फ पीछे की तरफ करना, इसको 10 टाइम्स कर लीजिए। आप ये इस हाथ को यहाँ रखेंगे इसको यहाँ और ले आएंगे जितना आ सके, ऐसे बड़ा सा सर्कल बनाते हो नीचे लिया और यहाँ पर रख के रखेंगे, इसको हटाना नहीं। हाँ, जितना आप रख के घुमाना है। हाँ, रख के घुमाना है और बड़ा सा सर्कल बनाते, मेरा इतना ज्यादा बन नहीं रहा है। नहीं, जितना कंफर्टेबली बन जाए उसमें, उस चीज को और ज्यादा तंग नहीं करना। हाँ, और ज्यादा पसंद थोड़ा अपने हैंड्स को स्ट्रेच करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे आपको इस हाथ से पकड़ लिया इसका, इससे आपकी सर्वाइकल की जो सिस्टम है वो थोड़ा सा ठीक रहे। ये यहाँ से स्ट्रेच गया है, यहाँ गया और यहाँ तक आपने इस हाथ से इसको पकड़ के खींचा है, ऐसे दूसरे हाथ को, फिर दूसरे हाथ को उसको फिर स्ट्रेच करके थोड़ा होल्ड करना, फिर इधर और होल्ड करना। ये आप एक बार वो करना है या 5 बार वो करना है? एक बार ऐसे
और फिर एक बार ऐसे थोड़ा होल्ड रखना, वही 10 count तक होल्ड रखना है। तो ये 3 एक्सरसाइज हो गई सर्वाइकल के लिए। और इसमें अगर आप नेक का मूवमेंट करेंगे तो उसके लिए भी सर्वाइकल काफी अच्छा हो जाता है। नेक मूवमेंट, नेक मूवमेंट ऐसे वाला, जैसे क्लॉक वाइज धीरे 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 धीरे, बिल्कुल धीरे, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज, इससे बहुत आराम मिलेगा सर्वाइकल के पेशेंट्स को। तो ये जो 2 एक्सरसाइज है, इससे शोल्डर पेन भी खत्म होगा और अगर सर्वाइकल है तो वो भी खत्म होगा। ये दोनों एक्सरसाइज करते रहने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसके साथ साथ एक नेक की एक्सरसाइज और है जो के काफी फायदा करती है, तो वो भी आप देख लीजिए। आप ये अपने अपने चीक पर हाथ लगाना है, जिस तरीके से लगाया हुआ है, प्रेस करना है हाथ से, आपको अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करना है और चेहरे से अपोजिट डायरेक्शन, थोड़ा होल्ड करना, उसको होल्ड करके रखना, ऐसे अल्टरनेटिवली करना, अल्टरनेट करना है। ये हो गया, मतलब आप अपना चेहरे का प्रेशर इधर आ रहा है, हाथ से उधर प्रेशर जा रहा है, और जितना हो सके उसको 10 count तक तो होल्ड करना ही करना है। ऐसे ही आप 10 बार करेंगे और उसके बाद चिन के नीचे आप हाथ रखिए। ये हाथ का प्रेशर आपका ऊपर जाना चाहिए और चेहरे का प्रेशर नीचे आना चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो गर्दन के यहाँ पर और यहाँ आपको सब जगह पर हल्का सा खिंचाव महसूस होगा, जो इस चीज की निशानी है कि आपको जो प्रॉब्लम है वो ठीक होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो ये कुछ एक एक्सरसाइज है, आप तो शायद रेगुलर करते हैं? हाँ, मैं डेली करती हूं। और सर्वाइकल था लेकिन मुझे अब काफी आराम है, इनको काफी आराम है और ये बहुत ही इफेक्टिव है। आप इनको करके देखिए, अगर किसी को है तो आप उनको बताइए, ये एक्सरसाइज करके ठीक हो जाते हैं। और हेल्दी रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। तो देखा आपने, एक्सरसाइज है बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है ये, हम जब बचपन में अपने स्कूल में पीटी भी करते थे, सिर्फ इसमें अब वेट और हाथ में लेना है और उसके साथ एक्सरसाइज करनी है। ये बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइज है। अगर आप दर्द को शुरू में देख लेते हैं और शुरू में एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं तो दर्द होगा ही नहीं, और अगर दर्द हो भी गया है, शोल्डर लॉक हो गया है, तो इस एक्सरसाइज से धीरे धीरे करके 8-10 दिन के अंदर आपको फर्क पता चलेगा और ये दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसके साथ साथ सर्वाइकल में भी फायदा होगा। अब सर्वाइकल भी बहुत खराब बीमारी है, चक्कर आते रहते हैं, कुछ होता है, और कई बार तो वो गले में पट्टा पहनना पड़ जाता है कि सर्वाइकल की वजह से। तो दोनों ही चीजों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आप इन्हें करके देखिए। आई होप पूरा पूरा आपको फायदा होगा। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।